हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल की है। चलिए माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से माई एसक्यूएल टाइप करता हूं, ये माई एसक्यूएल आ जाएगा। अगर मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो ये देखिए ये आ गया। यहां पर हम आ गए हैं। यहां पर थोड़ा सा पासवर्ड एंटर कर लेता हूं ताकि मैं इन हो जाऊं माई एसक्यूएल में। तो ये पासवर्ड भी मैंने एंटर करा, अब हम इन हो चुके हैं माई एसक्यूएल में। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, यहां पर लिखना होगा हमें शो डेटाबेसेस। क्या लिखना है, शो डेटाबेसेस, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा, टर्मिनेट कर दीजिएगा, ये आपको सारे डेटाबेस दिखने लगेंगे। अब हमको किस डेटाबेस का यूज करना है, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल हो सकती हैं, तो हमें किस डेटाबेस का यूज करना है, प्रोडक्ट डी। तो ये लिखा प्रोडक्ट, फिर लिखा डी, और फिर यहां से टर्मिनेट किया, एंटर किया। तो यहां पर देख सकते हैं डेटाबेस चेंज हो गया है। अब हमें टेबल लेनी है, कौन सी टेबल लेनी है, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ। हमने टेबल बनाई थी प्रोडक्ट टी के नाम से, तो ये पहले से बनी हुई है प्रोडक्ट टी, इसको मैं दिखा देता हूं। देखिए इसमें आईडी है, नेम है, प्राइस है, दिख रहा है। तो आईडी को हम चेंज करेंगे, आईडी का डेटा टाइप आपको दिख रहा होगा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो आईडी को हमें चेंज करना है, तो आईडी को कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसका डेटा टाइप हम चेंज कर पाएंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी टेबल आपको दिखे तो आपको सेलेक्ट कमांड का प्रयोग करना होगा। तो ये लिखा सेलेक्ट और यहां पे लगाइए एस्टेक सिंबल, और कहां से सेलेक्ट करेंगे, टेबल का नाम आप दे दीजिए, जैसे हम कर रहे हैं प्रोडक्ट टी के नाम। तो ये हो गया, और यहां पे टर्मिनेट कर दीजिए। तो ये देखेंगे कि यही दो रिकॉर्ड इसमें डाले गए हैं, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, आईडी का डेटा टाइप चेंज करना है, वेर कैर करना है। अभी क्या है, इंटीजर है, यहां पर आपको इंटीजर दिख भी रहा होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कुछ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहां पर एक कीवर्ड टाइप करूंगा, एक कमांड टाइप करूंगा, उस कमांड का नाम है अल्टर, ठीक है। तो आपको टाइप करना है अल्टर कुछ इस तरीके से, और किस को अल्टर करना है, तो हम टेबल को अल्टर कर रहे हैं। टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी, यही तो टेबल का नाम है। तो बस एंटर कर दीजिए, यहां पर जैसे ही आएंगे तब यहां मॉडिफाई का प्रयोग करना है आपको, ये लिखिएगा मॉडिफाई, और कॉलम का नाम दे दीजिएगा मॉडिफाई कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, आईडी है, ठीक है। इसका डेटा टाइप हमें चेंज करना है, यहां पे मैं क्या करता हूं, वेर केयर, ये वेर केयर कर दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, इसकी साइज 20 रख लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। जैसे ही इतना करेंगे तो यहां पर टर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, लगा दिया, एंटर कर दीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेरी ओके टू रोज अफेक्टेड। अब जरा हम डिस्क्राइब करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। पहले आप देख सकते हैं यह आईडी क्या थी, इंटीजर थी। अब यहां पे देखते हैं हम आईडी का क्या हालचाल है, थोड़ा एक बार इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट, ये लिखा प्रोडक्ट और फिर लिखेंगे टी, ठीक है, और यहां पे टर्मिनेट करेंगे, एंटर करेंगे, ओ आईडी बन गई वेर केयर, साइज क्या हो गई 20। इसी तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहां पे आपको क्या लिखना है, अल्टर टेबल, पहले टेबल का नाम देना है, ठीक है। और टेबल का नाम देने के बाद क्या करना है, जैसे ही आप टेबल का नाम देंगे तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पर देता हूं प्रोडक्ट टी है हमारे केस में, तो ये प्रोडक्ट ही दे दिया, एंटर कर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपको नेम का डेटा टाइप बदलना है, ठीक है, तो यहां पे लिखिए नेम एनएमई, सॉरी पहले मॉडिफाई लिखेंगे एमओडीआई एफ वाई मॉडिफाई कुछ इस तरीके से, और फिर यहां पे लिखिए नेम, फील्ड का नाम लिख दीजिए, और फिर आप जो डेटा टाइप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। लाइक यहां पर मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूं टी ई एक्स टी, ठीक है, और यहां से टर्मिनेशन दे देंगे, एंटर करेंगे। तो ये कह रहा है टू रो अफेक्टेड, कह रहा है टू डुप्लीकेट्स जीरो वार्निंग। तो यहां पर अभी क्या हुआ कि यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप वेर केयर था, टेक्स्ट हो गया है। अभी हम यहां पर चेक करते हैं डीईएससी, नेम का वेर केयर था 20 साइज हुआ करती थी, अब चेक करते हैं यहां पे डिस्क्रिप्शन किया, यहां पे प्रोडक्ट टी देंगे, प्रोडक्ट टी, और यहां पे टर्मिनेट करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे नेम का डेटा टाइप चेंज हो गया, नेम का डेटा टाइप क्या हुआ, टेक्स्ट हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ रही है कि नहीं बात, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कैसे आपको चेंज करना है डेटा टाइप, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।